हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हैंडसेट के बारे में जिसे MIUI 10 के बाद बहुत ही कम अपडेट देखने को मिला है, और ये हैंडसेट है Redmi Note 5। जी हाँ दोस्तों, MIUI 10 के आने के बाद इस डिवाइस को बहुत ही कम अपडेट मिला था, और साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर जो कि Redmi Note 5 है, इसके अंदर बहुत कम फीचर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि अभी कौन सा अपडेट मिला है और यहाँ पर आपको क्या क्या नया देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों के पास Redmi Note 5 है वो अपने अपडेटर में जाकर चेक कर सकते हैं और उन्हें 94 MB का अपडेट मिलेगा अगर वो लेटेस्ट वाले यानी कि लास्ट वाले वर्जन पर थे। तो यहाँ पर 10.2.3.0 का स्टेबल अपडेट मिला है और अभी भी ये डिवाइस को यहाँ पर 10.2 का ही अपडेट मिल रहा है। अगर बात करें अलग Redmi डिवाइसेस की तो यहाँ पर 10.3 का जो अपडेट का वर्जन है उसमें बहुत सारा अपडेट मिल चुका है, जैसे कि Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro, ये सारे हैंडसेट को 10.3 का अपडेट मिल चुका है। लेकिन Redmi Note 5 में अभी भी बहुत कुछ मिलना बाकी था और इस अपडेट में भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिल जाता है। बहुत से लोग बोल रहे थे और बहुत सारे ऐसे वीडियो यहाँ पर YouTube पर देखने को मिला था जहाँ पर ये बताया गया था कि Redmi Note 5 में Android Pie देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो कन्फर्म न्यूज़ नहीं था। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है Android Pie को लेकर। तो आप देख सकते हैं 10.2.3.0 का अपडेट है और यहाँ पर सिस्टम और कॉन्टैक्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाएगा जून का, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो सिम के अंदर थे वो डिलीट हो जाता था उसे भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि Redmi Note 5 में ये आपको अपडेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि उन्हें ये अपडेट मिला तो था लेकिन वो अपडेट अगर नहीं किए तो वो अपडेट उनके अपडेटर से चला गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक पार्शियल अपडेट था, यानी कि कुछ देर के लिए आपके फ़ोन में था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और यहाँ पर अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो मैनुअली लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ खास चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है आपको इस अपडेट के अंदर। थोड़े से आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है कुछ आइकन्स वगैरह के अंदर, और सिंपल सा बात है कि इस अपडेट के अंदर आपको सिर्फ एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच ही देखने को मिल जाएगा। ना तो आपको एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट मिलता है, ना ही आपको कैमरा सेक्शन के अंदर में आपको रियर के अंदर आपको पोर्ट्रेट का सपोर्ट मिलता है। मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 4 को यहाँ पर पोर्ट्रेट का सपोर्ट मिल चुका है, लेकिन ये जो डिवाइस है Redmi Note 5, पता नहीं यहाँ पर Xiaomi को इस फ़ोन से, इस डिवाइस से क्या प्रॉब्लम है, इसे ना तो अपडेट देता है साथ ही साथ ना ही इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि डार्क मोड, यहाँ पर ऐप लॉक के अंदर फेस अनलॉक, रियर के अंदर यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो कि दूसरे डिवाइस को यहाँ पर देखने को मिल रहा है Redmi Note 5 को, वो सारे यहाँ पर अपडेट के अंदर वो सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना होगा, लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज़ ये है कि इस अपडेट के अंदर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर आप एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच के लिए आप इस अपडेट को कर सकते हैं। आप अपने अपडेटर में जाओ, अपडेट को चेक करो और अपडेट आप कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली अपडेट करना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ चेक अपडेट में जाकर 3 डॉट्स पर जाकर आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। तो जिनके पास भी Redmi Note 5 है वो कमेंट जरूर करें कि आपने इस अपडेट को किया या फिर नहीं, और आपको ये अपडेट कैसा लगा। मेरे पास ऑलरेडी Redmi Note 5 है तो मैं इस अपडेट को कंप्लीट कर लिया हूँ, और नेक्स्ट के वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू दे दूंगा कि कैसा इसका बैटरी बैकअप है, स्क्रीन ऑन टाइम कितना है और इसके अंदर क्या नया बग्स आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये अपडेट आपको करना चाहिए कि नहीं वो आपको नेक्स्ट अपडेट में मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये कन्फर्म न्यूज़ दिया जो कि Redmi Note 5 से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।